एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं डुओक्रोम टेस्ट के बारे में, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डुओक्रोम के प्रिंसिपल, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू, मतलब इस टेस्ट को कब करना है, कैसे करना है और कब नहीं करना है, वी विल डिस्कस टुडे। सो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द क्रोमैटिक एबरेशन। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मल आई है, दैट इज़ इमेट्रोपिक आई, इज बेसिकली मायोपिक टू द रेड कलर। ओके, मायोपिक मतलब जो रेड कलर की लाइट होती है वो थोड़ा सा रेटिना से थोड़ा पहले बनता है, और जो ग्रीन कलर की लाइट है वो रेटिना के बाद बनता है। दैट इज आवर आई इज हाइपरोपिक टू द ग्रीन कलर। सो दी दैट वॉज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द डुओक्रोम टेस्ट। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो जो चार्ट दिख रहा है, दैट इज़ बेसिकली अ डुओक्रोम चार्ट। तो ये चार्ट हम अपने स्क्रीन पे या फिर डिस्प्ले पे लगा देंगे 6 मीटर अवे फ्रॉम द पेशेंट, और पेशेंट का एक आई को कवर कर देंगे। दैट इज़ वी विल डू द टेस्ट मोनोक्युलरली। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट से पूछना है कि आपको जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं रेड और ग्रीन बैकग्राउंड में, क्या दोनों इक्वल क्लैरिटी से दिख रहे हैं या किसी एक बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं, मुझे रेड कलर ग्रीन कलर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट मायोपिक है एंड वी विल हैव टू ऐड प्लस सॉरी माइनस 0.25 डायोप्टर्स। ओके, कब तक करना है? जब तक इक्वली दोनों ब्राइट ना दिखे, रेड और ग्रीन कलर इक्वल ब्राइट ना दिखे। सिमिलरली अगर उसको बोलेगा कि वो ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो वी विल हैव टू ऐड प्लस 0.25 डायोप्टर स्फेरिकल पावर, सो दैट दोनों कलर्स विल बी इक्वली क्लियर। ओके, कब करना है? तो हमें ये वाला टेस्ट तब करना है जब वी हैव टू रिफाइन द बेस्ट स्फेयर। आपको जो आपने जो करेक्शन दिया है ऑप्टिकल करेक्शन, उसके अंदर से स्फेयर को रिफाइन करने के लिए वी विल डू दिस टेस्ट। When not to do, जब पेशेंट डायलेटेड स्टेट में हो, तो उसको पहले तो लेटर्स क्लियर नहीं दिखेंगे और उसको थोड़ा सा ग्लेरी सेंसेशन फील होता है डायलेटेड स्टेट में। इसी वजह से वो चीज़ आपको डायलेटेड स्टेट में नहीं करना है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये आपको एकोमोडेशन को रिलैक्स नहीं कर पाता है, तो हम लोग को इस केस में चिल्ड्रन के बच्चों के केस में भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि बच्चों की एकोमोडेटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है। ओके, वी कैन डू इन यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन अबव देन 9 ईयर्स ऑफ एज जनरली। अब किसी बंदे का विजुअल एक्यूटी 6/9 से कम है, तो उसके केस में हमें नहीं करना है, और किसी का हाई पावर है तो उस केस में भी हमें नहीं करना है, सो दैट वी विल नॉट गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू शेयर subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.